अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमना। यू आर वॉचिंग समथिंग हॉट एंड दिस इज़ हॉट टॉक। बहुत देर बाद हम इंटरव्यू कर रहे हैं और एक्चुअली ये इंटरव्यू है भी नहीं। मेरे साथ हैं ताबिश हाशमी, हु आई थिंक राइट नाउ इज़ द किंग ऑफ कॉमेडी। प्रेशर डल गया, बहुत डल गया प्रेशर, डल गया प्रेशर। आते ही दो तीन लाफ्टर लेने पड़ेंगे। तो ये कॉन्वर्सेशन है जो हमारी शुरू हुई थी दुबई में। वी वर ट्रैवलिंग टुगेदर फॉर पीसा, और उससे पहले मेरी पहली मुलाकात हुई आपसे एट द लक्स स्टाइल अवार्ड्स। यस, सो टू अवार्ड शोज दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, and of course spoof. Yes, yes. Lots to spoof about. That's right. And how is it going, Tavish? Aap Canada mein rehte hain, Karachi mein bhi kaam karte hain, Canada Toronto mein bhi kaam karte hain, aana jana aapka laga rehta hai. That's right. And you've been here for now what, a week or 10 days? It's been 2 months now. 2 months in Karachi. Yaar abhi to aap Dubai mein the. Haan, to usme beech mein Dubai ka trip laga na. Acha, wo yahan se laga, wo wahan se nahi tha. Acha, I came in October, right, for Lux Style Watch, right, then I went to Dubai in November, came back, aur phir ab hu aapke samne baitha. Aap samne baithe hain aur you are balancing a corporate life, I am, and a comic life. Ye, this is life. This comic is life. Life kya hai, comic life kya hoti hai, life hoti hai, wo life as a comedian. Ha, life as a comedian or life as a corporate executive. Wo zyada pasand hai mujhe, by the way. Really? Ha, it's much easier, very predictable. The pressure is not, you need to improve in your corporate career as well, yeah, but that improvement doesn't necessarily have to come every day, right? But as a comedian, as a performer, you have to be better than yourself every other day, and that's a lot of pressure. That's a lot of pressure. प्रेशर ये भी है कि एज अ कॉमिक पीपल एक्सपेक्ट यू टू बी फनी ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। जैसे मैं आपको जज कर रही हूँ कि दो मिनट हो गए, आपने अभी तक यार वो फनी है नहीं, अभी तक जोक नहीं क्रैक की, अभी तक यही तो प्रॉब्लम है ना, कि आप कहीं भी जाते हैं, हाँ, तो एक जब सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, हो सकता है लोग एक्सपेक्ट ही ना कर रहे होंगे, हाँ, आप फनी हो, लेकिन एक ऐसा लगता है कि यार आपको बुलाया ही इसीलिए, यार ताऊजी प्लीज आइएगा जरूर। अब इस टोन से ही लग रहा है ना कि मैं वहाँ दुआएं तो कराऊंगा नहीं जाके। अब वहाँ पे आप जाए तो हर कॉमेडियन ने एक्सपीरियंस किया होगा कि आप जब जाएंगे तो हर बंदे को कॉमेडियन बनना होता है, उस जगह जहां आप जा रहे हैं, दे विल स्टार्ट क्रैकिंग जोक्स, बिल्कुल, अरे ये दोस्त तो मेरा है ही ऐसा, अब वो हंसना शुरू कर देते हैं, आपको फनी भी नहीं लगा, लेकिन आपको लाफ्टर भी देना है और आपको भी दो तीन जुमले कहने हैं, और ऐसी सिचुएशंस में हम फनी रहते ही नहीं, मुझे तो बिल्कुल हंसाना नहीं आता इस सिचुएशन में। आप रिट्रीट कर जाते हैं थोड़ा सा। मैं बहुत सोबर बन जाता हूं। अच्छा, यूं जाता हूं। हां, बस्किल। दिस इज कॉल्ड अ बस्किल। एग्जैक्टली, मैं उसकी प्रॉपर डेफिनेशन। हां, बस्किल की प्रॉपर डेफिनेशन है। मगर ऑब्वियसली इट कैन बी गेट वेरी टायरिंग, नहीं? इट इज टायरिंग। अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन। कभी-कभी आप अच्छे मूड में होते हैं तो हो भी जाता है, और कभी-कभी दिल भी नहीं जा रहा होता, तब भी हो जाता है। अब मजबूरी बन चुकी है। वही मजबूरी बनती कैसे है? लेकिन कॉमेडियन कोई कैसे बनता है? Is it in the genes that you have a funny bone and you're like genetically funny? हाँ। Or is it something that you think you're funny and then you train for? क्या process क्या है? अच्छा, since I have no professional training for what? होती है वैसे professional training? हाँ, लोग classes ले रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं stand-up comedy को। I've met a person who is doing PhD really? in stand-up comedy. Yeah. PhD तो is research ना? हाँ, इन स्टैंड अप कॉमेडी, बट वो लोग पढ़ भी रहे हैं, देर आर बुक्स अबाउट इट, हाउ टू राइट अ सेट, हाउ टू गो अबाउट इट, देर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स अवेलेबल ओवर द इंटरनेट, आई हैव नेवर यूज्ड एनी ऑफ देम, बट व्हेन आई टॉक टू माय फेलो स्टैंड अप कॉमेडियंस हु हैव स्टडीड दोस बुक्स, रेड दोस बुक्स, दे कीप टेलिंग मी दैट आपने इधर वो टेक्निक इस्तेमाल की है, अच्छा, या इधर आपने वो वाली चीज की है जो उस किताब में लिखी हुई, जिसने लिखी होगी उसको भी नेचुरली आ रही होगी ना, तभी उसने सबसे अच्छा ये होता है, उसने उसको एक किताब में लिख दिया, तो जेनेटिक, अच्छा, मैंने क्योंकि नहीं लिया तो आई कैन नॉट, आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू कमेंट कि ये एक्वायर की जा सकती है कि नहीं, मैंने नहीं की, जेनेटिकली समझूंगा, क्योंकि माय फादर, माय एंटायर फैमिली, वी हैव दिस नैक ऑफ क्रैकिंग जोक्स एवरी डे एवरी नाइट, हम लोग जब भी मिलते हैं, जूम कॉल्स होती हैं संडे के दिन भी, तो हम एक दूसरे पे इंसल्ट्स फेंकना है अपना एक फैमिली फरीजा समझते हैं, और इसमें हमारी अम्मी भी शामिल रहती है, ऐसा नहीं है कि अम्मी कहती है नहीं बेटा क्या गंदी बात कर, वो शामिल रहती हैं और वो ये कहती हैं अरे बदतमीज, लेकिन एंजॉय भी करती हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस वहीं से बिल्डअप होता रहा, हमारे अब्बा का बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर, बहनों का बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर, तो क्योंकि ये फैमिली में था, अब इसको कमर्शियल कर लिया, और आई गेस सेंस ऑफ ह्यूमर भी होगा और एक सर्टेन फ्रीडम ऑफ माइंड थॉट भी होगी, उसके बगैर तो ह्यूमर नहीं बनता। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस हद तक है कि हमारे यहाँ अपने फिरके चूज करने की आजादी थी घर पे, अच्छा, हाँ ये था,
अभी पता नहीं जा सकते नहीं जा सकते, नहीं फोर्स जा सकते, वो मुश्किल सा काम है ना, घरों में एक फिरका होता तो है, क्या अलग अलग लोगों ने किए फिर के? बट जिसको जो समझ में आता है वो फॉलो करता है। अच्छा। हमारे यहाँ रोकते नहीं है, तुम्हें ये अच्छा लगा तुम ये कर लो, वो कर तो रहे हो ना। हाँ, हाँ। तो वो वहाँ पर इस तरह की आज़ादी मौजूद थी घर पे, सोचने की भी थी, सवाल भी कर लेते थे, हो सकता है जवाब घर वालों के पास ना हो मगर सवाल पे नहीं रोका उन्होंने, ये नहीं कहा ये क्या बात पूछ ली, नेवर। कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट, ओपन थी, ओपन कम्युनिकेशन, ओपन थी, एटलीस्ट ये थी कि बोलने में पाबंदी नहीं थी, उसका रिस्पांस मिले ना मिले, भाई जहरी बात है सब सवालों के जवाब तो माँ बाप को नहीं पता होते, एक जनरेशन गैप भी, बिल्कुल, अब ज्यादा पता होते हैं माँ बाप को जवाब, उस वक्त नहीं पता होते थे हमारे सवालों के, तो लेकिन ये नहीं कहते थे कि ये बेटा ये साले बातें नहीं पूछते, ऐसी बातें नहीं करते, ऐसी बातें पूछते, वहां तुम्हें सवाल ही क्यों आ रहा दिमाग में? हाँ। तो वो कहते थे कि या कोई कहते थे पूछ के बता देंगे, या यहाँ देखो पता चल जाए शायद तुम्हें, इस तरह के थे, तो हम पाबंदियां नहीं लगी ना तो दिमाग खुलता चला गया। और स्टैंड अप कॉमेडी बहुत सिंपल सी चीज़ है, इतना सच बोल दो, ज़्यादा सच बोलो ना फनी लगने लगता है लोगों को। वो थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट भी हो गया ज़्यादा सच बोलना अब। नहीं नहीं वो तो देखिए वो जिस जो चीज़ डिफिकल्ट हो गई है, अच्छा दो तरीकों से डिफिकल्ट है, दो स्कूल ऑफ थॉट्स है, कुछ कहेंगे कि यार पाबंदियां बहुत हैं मीडिया के ऊपर, या पकड़े जाते हैं लोग उठाए लिए जाते हैं, एक तो एक तो स्कूल ऑफ थॉट भी है और एक रियलिटी भी है, दूसरी ये है कि यार आपने कुछ भी बोल दिया तो आप उसके ऊपर जो है वो उठ जाता है दूसरी साइड से भी, वो सेगमेंट से भी, तो अब आपको ये देखना है कि यार आपने किस साइड पे रहना है, पहले तो ये डिसाइड कर लें आप किस साइड पे रहना है। मैंने ये कोशिश की है कि मैं सोशल कमेंट्री करता ही नहीं, नहीं करते बीच की राह निकाल लेता हूँ, आई एम सॉरी मोबाइल ही बजी है ना, बिजी भी तो है आर्टिस्ट आर्टिस्ट में स्टार बन गए तो अब उसके अंदर ये होता है कि मैं कोशिश करता हूँ मैं सोशल कमेंट्री ना करूँ, अगर मैं करता भी हूँ तो मैं चाइल्डहुड स्टोरीज को रिव्यू करता हूँ बच्चों की, उसके बगैर लेकिन कैसे कन्वर्सेशन कैसे चलती है आगे, किन के साथ, सोसाइटी कल्चर पॉलिटिक्स? अच्छा होता ये है कि मैं कोशिश ये करता हूँ छोटा सा टॉपिक उठाऊं, फॉर एग्जांपल मैं जरा इसको बता दूं, मैनेजर है ना बदुल, मैं आमना इसानी के साथ बैठा हूँ, इसके आगे कुछ बोलना चाहती हो? आमना के साथ, आमना इसानी के साथ इंटरव्यू दे रहा हूँ, तुम कैमरे पे आ रही हो सही है, मुझे SMS कर दो फिर भी कुछ नहीं बोलना चाहती ओके तो छोटे टॉपिक्स लाइक फॉर एग्जांपल छुपकली कैसे मारी जाती है, हाँ, वो मैंने देखा था, सही है, अब उसके अंदर मैं इस तरह के जुमले तो बोल दूंगा कि भाई छुपकली जो होती है फेमिनिज्म का भी ग्रे एरिया है जी, इस तरह के जोक्स मेरे दोनों साइड पर चल जाते हैं, वो नहीं माइंड करते। और अच्छा दूसरी चीज ये होती है कि आप अगर आपकी टोन कैसी है, आपकी टोन बहुत मैटर करती है, कुछ लोग यही बात अगर कोई और करता शायद लोग ऑफेंड हो जाते हैं, क्या फेमिनिज्म पे आप ग्रे एरिया छुपकलियां मारते हैं, छुपकलियां मुझे नहीं, क्या गुड ह्यूमर में लिया, बैठी होती हैं खवातीन भी हंसती हैं, मैं जानता हूं उनको भी, लेकिन कुछ लोग होंगे यही कहेंगे तो उनके ऊपर आवाज उठ जाएगी कि यार ये क्या, वो छुपकली से कंपेयर कर दिया हमारी ताकत को सारा, तो ये हमारी ताकत को मैं इस तरह के जुमले आ जाते हैं ना, किसी को कुछ भी फ्रेम किया जा सकता है, ये बहुत डरावनी सी बात है, वही बात है कि एनीबॉडी कैन गेट ऑफेंडेड बाय एनीथिंग, और वो उसको फ्रेम कर लेगा, जिस तरह वो आते हैं ना वो हॉन्टेड घरों पे जाते हैं लोग, अक्सर चैनल्स पे प्रोग्राम आते हैं, मैं नहीं जानती ऐसे लोगों को जो हॉन्टेड घरों में जाते हैं, वैसे टीवी पे प्रोग्राम आते हैं ना कि भाई वो हॉन्टेड घर में गए, वो कहते हैं ये देखो आवाज सलाम अलैकुम कह रही है आवाज, तो आपको भी लगने लगता है सलाम अलैकुम, क्योंकि वो नॉइज होती है, स्टैटिक होता है वो सारा, इसी तरह जो है ना वो हमारे यहाँ भी होता है, ये देखो इसका मतलब ये था, अब वो नहीं भी होगा तो वही मतलब बन जाता है, तो कितना मुश्किल हो गया पाकिस्तान में कॉमेडी करना, बहुत मुश्किल हो गया, कौन से टॉपिक्स हैं जो आप खुद, अच्छा कौन से टॉपिक्स हैं जो आप पे टैबू आपको लगता है कि एक्सटर्नली किए गए हैं कि इन पे यार इन पे बात नहीं कर सकते? अच्छा मैं तो करता हूँ TBH में फौशे ही बात की है, हाँ हर जगह बात की है, जुमले खासतौर पे मुर्तजा चौधरी के साथ बैठ के तो काफी बात एंड नहीं हुआ कुछ, किसी ने कुछ कहा ही नहीं, हाँ मेरे ख्याल से दे हैव बिगर फिश टू फ्राई, अल्लाह होपफुली अल्लाह करे ऐसे एग्जैक्टली, और मेरे ख्याल से बहुत सारों को बहुत मिले भी होंगे थ्रेट जी, हुए भी होंगे जी, बहुत सारे ऐसे भी नहीं भी मिले मगर उनका हमें मिले, अच्छा ऐसे की इम्पोर्टेंस भी मिलती है, हाँ। तीनों चीजें ट्रू हैं अपनी अपनी जगह, ऐसा नहीं है कि यार वही ट्रू है ट्रुथ है ये नहीं है, ठीक है ये भी है कि वो एग्जिस्ट करते हैं जिनको नहीं मिली वो मैं हूँ, ये वो वाली बात है जो आर्टिस्ट अपनी खुद ही लीक कर देता है और कहता है पता नहीं किसने की है और खुद ही की होती है, यार मुझे इतनी धमकियां आ रही है ना, हर वक्त प्राइवेट नंबरों से फोन आ रहे हैं, नहीं आ रहे यार तुझे काम के फोन नहीं आ रहे, तुझे प्राइवेट नंबरों से क्यों फोन आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं, वो सीन भी है, हाँ ऐसा भी है, आई वी टेकिंग इट टू सीरियसली यू फील, या स्पेशली वी आर स्टैंड अप कॉमेडियंस को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, आर्टिस्ट को बहुत सीरियसली ले रहे हैं,
आर्टिस्ट को ले रहे हैं या आर्टिस्ट खुद अपने आप को बहुत सीरियसली ले रहे हैं? वो अच्छा सवाल है। हाँ वो भी तो है। मतलब वो भी तो है यार। हाँ। सब देख रहे होंगे, नहीं देख रहे यार। ये भी तो है ना, जो अक्सर वीडियो हाय फ्रेंड्स, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आप ये कैसे करते हैं, उनको तीन लोगों ने भी पूछा नहीं होता। हाँ। एक कमेंट आया होता है यार इस पे बन सकती है वीडियो। हाँ। तो बना लेते हैं, बहुत लोग पूछ रहे हैं, बहुत लोगों ने कहा कि इसमें मैं बात करूं तो आपकी स्किन के बारे में। हाँ। किसी ने नहीं पूछा। सही है। हाँ। तो वो वाली एक चीज है, लेकिन है। एक फैक्ट है, तीनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं और इसे पाकिस्तान नहीं है जहां पे ये एग्जिस्ट करती है। सो वी कांट टॉक अबाउट द आर्मी, वी कैन नॉट टॉक अबाउट एस्टैब्लिशमेंट, वी कांट टॉक अबाउट रिलीजन, वी कैन नॉट टॉक अबाउट रिलीजन। नो, अच्छा रिलीजन का मतलब ये नहीं है कि रिलीजन में बुराइयां निकालना शुरू कर दें। हाँ। मगर जो रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं आप ले सकते रिलीजन को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, उनके बारे में भी आप कुछ नहीं कह सकते, चाहे वो गलत भी कर रहे हो। जबकि ज्यादातर स्कॉलर्स आजकल यूट्यूब कंटेंट ही बना रहे हैं। ओके, खादिम अली रिज़वी पे काफी बनी भी मेरे हालांकि मीम्स वगैरह मीम्स बनी। हाँ, उन पे बनी, उन पे बनी। अच्छा वहां से रिएक्शन इतना नहीं आया। लेकिन अभी आप देख रही होंगी कि बहुत सारे हैं स्कॉलर्स रिलीजियस, वो यूट्यूब पर बिल्कुल हमारी तरह का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जोक सुना रहे हैं बैठ के, एक दूसरे को रोस्ट कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल सही। उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है या शायद हम वो सुन रहे हैं, शायद वो करना चाह नहीं रहे लेकिन क्योंकि अगर मैं उनपे भी करूंगा ना तो वो रिलीजन नहीं बन जाते, वो रिलीजन बन चुके हैं अब, जबकि वो रिलीजन थोड़ी है, वो तो स्कॉलर्स है। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद ये इतनी वास्ट और फील्ड है और इसके अंदर इतने वास्ट टॉपिक्स हैं, स्पेशली हमारे पाकिस्तान में हमें इतनी चीज़ें ऑब्जर्व करने को मिलती हैं कि टॉपिक्स कम नहीं है, कम नहीं। ये एक्सक्यूज नहीं है किसी के पास, होना नहीं चाहिए कि यार इतनी पाबंदियां लगी हुई हैं, कॉन्टेंट ही नहीं है। वी आर वेरी ह्यूमरस नेशन, मुझे लगता है हमारे डीएनए में बहुत कॉमेडी है, ज्यादा बहुत जबरदस्त है वैसे। अभी मैं जो लाइव शोज कर रहा हूँ तो उनके बारे में बताया ना जरा। अब तो कर लिए चारों, अब क्या मार्केटिंग करें, लाहौर इस्लामाबाद लेके जा रहे हैं अपना शो, तो वहाँ पे इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं वो भी एक एक दिन में सोल्ड आउट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैंने बात की जी, अभी पेट चेक किया गया कैमरा डाल के ना मेरा। अच्छा ओके, नाउ यू बीइंग सीरियस नाउ, पता नहीं चल रहा क्या मतलब। और वो कनाडा में मेरा पहला इलाज था, पहला एक्सपीरियंस था अस्पताल का, पेट चेक किया गया। हाँ। ऊपर से नहीं, नीचे से। जो किल ना करें। अच्छा जो। डॉक्टर से मैंने पूछा भी। जी। कैमरा डालना ना, तो यहीं से डाल देंगे डायरेक्ट, कहने का नहीं। हाँ। मैंने कहा अच्छा मुंह से। उन्होंने कहा यार नाक से तो मत डालें, कहने का नहीं भाई। हाँ। क्या कान से? तो खैर भाई लोग, तो वो अच्छा हमारे यहाँ के अस्पताल के नॉर्म्स डिफरेंट होते हैं, वो इलाज वाले कपड़े भी डिफरेंट पहनाते हैं, वहाँ के डिफरेंट होते हैं, तो मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, तो वो एक्सपीरियंस मैंने लोगों से शेयर किया, बहुत फनी था। अब इसके अंदर ना एस्टेब्लिशमेंट हर्ट हो रही है, ठीक है, ना दूसरी कोई शायद डॉक्टर हर्ट हो जाए, डॉक्टर भी नहीं हर्ट हो रहे, डॉक्टरों के साथ भी मैंने चलाया। अच्छा डॉक्टर हर्ट नहीं होते बेचारे, वो इतने बिजी हैं, उनके पास टाइम नहीं। फिर एक था कि मैं जब पीआईए से आ रहा था, इस बार मैं कनाडा से पीआईए से आया क्योंकि फ्लाइट्स कैंसिल बहुत हो रही थी, रियली एक ही चीज थी जो टाइम पे आ रही थी, पीआईए थी। अब देखिए आयरनी देख रही है सिचुएशन में, मैं देख रही हूं, तो वो 13 घंटे में पहुंचा रही थी और लक्स अवार्ड डायरेक्ट कहाँ कराची फ्रॉम फ्रॉम कनाडा टोरंटो टोरंटो बोल दूं वरना लोग कहेंगे ओहो टोरंटो टोरंटो ठीक है लो टी नहीं छोड़ूंगा मैं। तो कनाडा से आया तो वो एक एक्सपीरियंस है पी आई ए के जहाज से वो आना, तो पूरा शो है, वन लाइनर देता हूँ वो भी। हाँ, किया हाँ. के भाई नॉर्मल एयरलाइंस को तो पायलट वगैरह ला रहे होते हैं, पी आई ए को पायलट को पायलट पैसेंजर एयर होस्टेस ये सब मिलके जहाज को ला रहे होते हैं, वो इतना घरेलू माहौल बना देते हैं, वहाँ सब काम कर रहे होते हैं, एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व्ड, पैसेंजर भी इन्वॉल्व होते हैं। अब मैं सो रहा था यूं करके, अब कॉलर वो लगा के, और मैं सो रहा था क्योंकि मैं वो एंटी एलर्जी खा के दवाई सो गया था, और मैं जहाज से वैसे ही बहुत सोता हूँ, तो मैं टैक्सी होते सो जाता हूँ, सो गया। तो बीच में किसी ने मुझे उठाया, सुने उठे एयर होस्टेस थी वो, ये ओवरहेड केबिन बंद नहीं हो रहा, प्लीज मुझसे बंद कर दें। ओह माय गॉड, सोते हैं आदमी को, मैं उठा, मैं मुझसे भी नहीं हुआ वो बंद। तो अगर एयर होस्टेस नहीं हो रहा तो हाँ भाई क्या हो गया, तो इससे बोला मैंने यार आप भी मेरी हेल्प करो, वो भी सो रहे थे तो हम सब मिलके बंद कर रहे थे हम। और फिर ये प्रॉब्लम होती है हमारे जहाज में, फैमिली अफेयर टाइप लग रहा है मुझे बहुत। सबसे पहला मसला जहाज में क्या होता है, हम ना
लेडीज की शिकायत आती है हमें जेंट्स के साथ नहीं बैठना जी बिल्कुल, ये पाकिस्तानी फ्लाइट में तो नॉर्मल है। और फिर एक अंकल खड़े होते हैं जिनका काम होता है वो खलीफा बन जाते हैं, वो मैं कराऊंगा, सबकी रीअरेंजमेंट करते हैं और फिर वो आपको उठाते हैं, आपको नहीं भी उठना ना हाँ। तो आप कहेंगे नहीं सर मैं नहीं उठना चाह रहा, तो वो आपको इतनी बुरी तरीके से इंसल्ट होंगे, आप यार बड़े बेगैरत आदमी हैं, आप लेडीज खड़ी हुई हैं और आपकी सीट पे अगर आपने विंडो सीट ले ली है पीआईए से आ रहे हैं तो 100% ऑफ द टाइम्स कोई ना कोई उस पर पहले से बैठा होगा आपकी सीट पे, आपकी सीट पे आपसे बोलेंगे सर ये मेरी सीट है, मरे क्यों जा रहे हो यार एक ही जगह जा रही दोनों सीटें, यूं करके आपको हाँ, क्योंकि अब वो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एक्सपीरियंस था, फिर एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस अलग था, कोविड रैपिड टेस्टिंग मैंने पूरा उसको कवर किया कि किस तरह से रैपिड टेस्टिंग हो रही है और मैंने कभी देखी नहीं थी वो जो स्ट्रिप्स लेके जा रहे थे टेस्टिंग स्ट्रिप्स वो मैंने कहीं और देखी, कराची एयरपोर्ट या लाहौर पे, पहले मैं लाहौर लैंड किया, फिर लाहौर से 11 बजे कनेक्टिंग फ्लाइट थी कराची की सुबह के, वो रात के 8 बजे और पीआईए के पायलट थे उसके अंदर बहुत अच्छे कर्टियस से पायलट थे मगर उनको परफॉर्मेंस का बहुत शौक था। अब यूजुअली भाई आप फ्लाइट लेट है तो आप जल्दी जल्दी निकालते हैं जहाज, मगर उन्होंने ही टुक हिज टाइम, उन्होंने अपना पूरा इंट्रो दिया कि मेरा नाम कैप्टन फारूक है, को पायलट ये कैबिन क्रू ये, देर के लिए माजरत खा हूँ और इस मौके में मुझे मुनीर नियाजी की वो नज़्म याद आ रही है। अच्छा ये उड़ा के नहीं ये टैक्सी में अभी जहाज हाँ। अभी वो हिला भी नहीं है और उन्होंने पूरी मुनीर नियाजी की नज़्म सुनाई कि हमेशा देर कर देता हूँ, अब मजाक कर रहे हैं। आई स्वेयर टू गॉड अगर कोई उस फ्लाइट में मेरे साथ था तो वो गवाही देने को लोग तैयार हैं, हमेशा देर कर देता हूँ, आप ही नज़्म सुनाएं कोई बात नहीं, आपको परफॉर्मेंस दे आप जल्दी जल्दी सुनाएं, दो मिसरे सुना दें या उड़ा के सुना दें यार, या उड़ा के बीच में सुना दें कि आइटम आया मैं सुनाना चाहता हूँ, वो उजरी सुना रहे और ये भी नहीं कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, ये करना हो वो कर, हमेशा देर कर देता हूँ फारूक भाई तवज्जो, हमेशा 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 देर कर देता, अबे भाई वो शायर बन गए, इतनी लंबी सुनाई इन्होंने, फिर इंग्लिश में भी सुनानी होती है लेकिन मैं अच्छा ना अब नहीं दिल थामे बैठा रहा, उन्होंने इंग्लिश में तर्जुमा नहीं किया, आई एम ऑलवेज लेट, शुक्र है नहीं कि उन्होंने हाँ। लेकिन ही टुक बट अदर देन दैट हाउ वाज द एक्सपीरियंस फ्लाइंग पीआई रियली आई विल वाउच फॉर इट, क्योंकि 13 घंटे की है हां, कोई एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं है उसके अंदर, नहीं है इन फ्लाइट नहीं है, वी डोंट नीड इट बिकॉज एंटरटेनमेंट इज इन द एयर, बट बच्चे होंगे तो वो एक बच्चा नहीं रोया, इतने बच्चे थे आपको पता है पाकिस्तान जा रही थी पीआईए की फ्लाइट, बच्चे ही बच्चे, ये तो फिर कोई डिवाइन इंटरवेंशन होगी कि बच्चा नहीं रोया, उसका रीजन है जिसको जो करना था ना उसको इजाजत थी, वो कर रहा था, वो लैंडिंग टाइम पे लोग खड़े बात कर रहे हैं हाँ झटके भी खा रहे हैं खड़े, कोई नहीं यार बच्चे जा रहे हैं सबको छेड़ते हुए सोते हुए लोग हाँ प्रिंस के हाल है यूं करके जा रहे हैं, बस बच्चे जो करना है कर रहे हैं हाँ। तो वो रो भी नहीं रहे, क्रिकेट खेलने के अलावा सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है और लोग मुझे उन्होंने मैं उठा जब 13 घंटे की फ्लाइट थी, मैं 10 घंटे सोता रहा, 3 घंटे आखिर के मैं उठा, तो मैंने कहा थोड़ी सेलिब्रिटी वो तो लू ना इनसे फायदे तो उठाऊं, तो मैं उठा मैं पीछे गया आपको पहचान ही नहीं रहा था, तो मास्क उतारा मैंने, फिर स्टूवर्ड पहचाना, अरे सर आप, अरे आप, मैंने कहा यार चाय बहुत खराब थी कुछ चाय का बैठ जाए, दूध पत्ती बनाई उन्होंने मेरे लिए, पीआईए की जाकर दूध पत्ती बिल्कुल जो चाय जैसी है, तो फिर एक हॉस्टेस आ गई, आपने दूध पत्ती बनवाई है, मैंने कहा जी जी, अरे उनसे क्यों बनवा ली मैं बनाऊंगी, तो एक साथ दो दो दूध पत्तियां आई जबरदस्त, दोनों की मुझे तारीफ करनी पड़ी, दोनों एक ही जैसी थी, एक ही दूध था एक ही पत्ती थी, तो वो पी और कॉन्वर्सेशंस, फिर लोग आना शुरू हो गए पीछे, अब घरेलू माहौल बना हुआ था, लोग बात कर रहे थे हाँ। अच्छा सफर की दुआ भी तो पीआईए में पढ़ाई जाती है, मगर वो एक ऐसी एयर होस्टेस के हाथ में वो काम दे देते हैं जिसको ये काम, यार बहुत बिजी हो गया मैं साइलेंट कर ही दूं तो जिसको तलफ्फुज़ ठीक नहीं होता वो ये दुआ पढ़ने का काम हमेशा एयर होस्टेस को दे देते हैं जिसका तलफ्फुज़ ठीक नहीं होता, अब गलत दुआ पड़ती है तो बीच में अंकल बैठे होते हैं, काफ निकला ही नहीं इनके मुंह से, काफ निकल ही नहीं रहा इनके मुंह से, आप देखिएगा जहाज को आप थोड़ी सी टर्बुलेंस हुई रहेगा, देखा मैं कह रहा काफ नहीं निकला। सेलिब्रिटी की बात की आपने एंड लक्स एट अवार्ड्स पे यू वन ऑफ द सेलिब्रिटीज एंड आल्सो एट पीसा, जो हमारे दूसरी तरह के स्टार्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं एक्टर्स हैं जो कि अपने आप को बहुत स्टार्स समझते हैं, ए-लिस्टर्स, ये आपने अच्छा नाम लिया, ए-लिस्टर्स जो होते हैं, कोई आप लोगों के और उनके बीच में कोई किसी किस्म की फ्रिक्शन या ऐसा होता है कि समबडी इज लुकिंग डाउन ऑन द अदर कि यार ये अपने आप को बड़ा स्टार समझ रहा है, और या अच्छा मैं आमना इसी माइंडसेट से आया था हाँ। कि हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता था हाँ। क्योंकि मैं एक नोटोरियस सा होस्ट हूँ, तंग करता हूँ, मैंने भी ऐसा सुना है कि लोगों की ईगोज होती हैं, बहुत होती हैं, मैंने ही सुनाया होगा ये नहीं होती हैं, और मेरी ये था कि यार होता ये कि जब हम शूट करते हैं अपना शो टीबीएच तो उसमें तो किसी
को मैंने देखा नहीं कि मुझसे नाराज हुआ वो शो के बाद, अभी अपेरेंटली नहीं होते हैं, दिखते हैं तो होते नहीं है, ठीक है, कि जाते हैं तो खुश खुश जाते हैं, हाथ मिला के गले लग के, यार बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया, मैं तो फेस वैल्यू पे ही लूंगा। जब वो एडिट आता है ना, एडिट पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, राइट, मैं भी बताना चाहता हूँ ये सबको, ना गेस्ट लिस्ट पे मेरा कोई कंट्रोल है, ना एडिट पे मेरा कोई कंट्रोल है, मैं आता हूँ, सारा शो लाइंड अप होता है कि ये लोग आएंगे और शो की शूट खत्म होती है, मैं चला जाता हूँ अगले दिन। अच्छा, गेस्ट लिस्ट पर भी कोई कंट्रोल कोई कंट्रोल नहीं है, तो गेस्ट लिस्ट कैसे चूज करते हैं ये आर्टिस्ट जो आप मतलब एक कुछ तो होते हैं कि जो हमारे मार्क्ड होते हैं कि यार इनको तो प्लीज बुलाना है, हमारे क्या उनके ही मार्क्ड होते हैं कि इनको बुलाना है, कुछ होते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में सेलिब्रिटीज है, बार बार एक ही बुलाने पड़े क्योंकि अवेलेबिलिटी का इशू है, प्लस नॉट एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल कमिंग टू टीवीएच। या राइट, उनको लगता है कि हमारी रोस्टिंग होगी, रोस्टिंग होगी, और लगता क्या होती है, होती भी है, शो का फॉर्मेट है तो अच्छा, हर किसी की रोस्टिंग आप देखेंगे भी तो नहीं होती, हर किसी की नहीं होती, ऐसा जरूर होता है, और रोस्टिंग का मतलब ये है कि मैं आप उन्हीं की बजा रहा हूँ, उनके जवाबों की सिर्फ काउंटर करता हूँ, ठीक है, कभी मैंने ऐसा नहीं हुआ किसी होस्ट को ये कहो कि यार आपकी नाक ऐसी, कान ऐसे, बाल ऐसे, जो जवाब दे रहे हैं उसी में से सवाल निकालता हूँ, तो वो टेक्निकली वो वाली रोस्टिंग नहीं है जो आप बिटवीन टू फंड्स वगैरह देखते हैं, तो उसके अंदर ये होने के बाद मुश्किल हो जाता है कि जब वो आते हैं। अच्छा, मैं जब गया ये लक्स में तो मुझे ऐसा लगा कि यार पता नहीं मुझे साइड लाइन किया हुआ हो, यहाँ हूँ वहाँ हूँ, और मुझे ये भी नहीं यकीन था कि सब मुझे जानते भी होंगे, तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो सब मुझसे ऐसे मिले जैसे मैं ही सबसे बड़ा सेलिब्रिटी। Really? सबसे मुराद कौन? सबसे मुराद यार मैं, अच्छा पीसा की एग्जांपल दूंगा, मैं सज्जाद अली के पास गया कि सर मैं छोटा सा शो होस्ट करता हूँ, कहला कि जानते हैं भाई हमारी बीवी आपके साथ बहुत बड़ी फैन है, तस्वीर खिंचवाइए, तस्वीर खिंचवाई, अली अजमत से मिला, अब मुझे क्या पता था वो जानते होंगे, ओ यार तू बड़ा ये है, आ जा इधर, आप उनसे मिले, इवन फिरोज से मिला मैं, अब लोगों को लगा होगा हमारी जंग है, मगर हम बैठे रहे, हम सुबह 5 बजे तक बात करते रहे, बातें वही होती रही जो जो शो पे थी, जो शो पे तकरीबन 19-20 शेख साहब की बात हुई कि नहीं, थोड़ी सी हुई लेकिन वो भी उन्होंने रोक दिया, रोक दिया, लेकिन गिले शिकवे भी किए, वो मिटाई भी हमने, जो लड़कियां आई मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता था कि जो खवातीन आती हैं वो शायद नाराजी होकर जाती होंगी, जबकि बात अच्छी करके जाती है वहां से, मगर एडिट वेडिट पे कभी कभी मुझे भी देखकर लगता है कि यार ये थोड़ा सा ऑफ हो गया, तो लेकिन मुझे अच्छी तरह मिलती है सब, क्योंकि परसेप्शन भी तो है ना कि आर्टिस्ट जो है उसकी बड़ी फ्रेजाइल ईगो होगी और थोड़ा सा वो भी होते हैं ना, बहुत कॉन्शियस होते हैं, इमेज कॉन्शियस होते हैं, और होते भी हैं, होते भी हैं, तो वो यही है कि जरा सी, बिकॉज हम जो बातें सुनते हैं कि जो स्क्रिप्ट्स लिखे जाते हैं अवार्ड शोज के लिए, वो लोग बाद में एडिट पे कटवाते हैं कि हमारे बारे में ये चीज बोलिए काटो, हमारा भी शो में कटवाते, आपको कभी ऐसा हुआ है? अच्छा, कटवाते हैं मुझसे कुछ ने, एक दो ने मुझसे कह दिया कि यार वो वाली बात कटवा देना, फिर मैंने उनको गाइड कर दिया कि मैं नहीं, वो नहीं करते तो अच्छा टीबीएच कार्ड अगर कोई आर्टिस्ट कहता है तो फौरन काट देते, मेरे कहने पे मेरी कोई चीज नहीं काटते, कोई लेवल है कि इससे ऊपर का आर्टिस्ट होगा वैल्यू का, नहीं, तो नहीं, जो, या, जो या, कहता है, जो या कहता इससे है। नीचे वालों को छोड़ दो, ना सुनो, नहीं 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 सब कहते, सब बराबर, सब बराबर है, कोई उसी वक्त कहकर चला जाता है, कोई उसी वक्त कहकर चला जाता है, अच्छा लोग कहते हैं शूटिंग के दौरान नहीं, बाद में कि यार वो वाली चीज काट देना, अच्छा वो स्टेज पे क्योंकि फनी लग रही होती है तो वो उस वक्त नहीं कहते, उनको भी एंजॉय, उसको एंजॉय करते हैं, मगर पोस्ट शूट फोन आ जाता है रात में, यार वो वाली चीज काट देना, या एक हफ्ते बाद आ जाता है वो वाली काट देना, मगर जो चीजें वो कटवाते हैं, आर दे लाइक सेंसिटिव थिंग्स टू कट या दे आर सेल्फ कॉन्शियस थिंग्स, नाम निकल गया किसी का, अच्छा या कोई ऐसी चीज बोल दी, किसी इशू के बारे में कोई बात की जो स्टार्ट तो अच्छा लिया मगर बाकी की लैंग्वेज नहीं आती थी तो वहां फंस गए, सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन थी, कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन दे दी, या मैंने कुछ पकड़ लिया उस पर, यार ये क्यों बोल दिया था, तो अच्छा मेरा कुछ नहीं कटता, मैं जितनी फरमाइश कर लूं, आप ये देखें घर की मुर्गी दाल बराबर, मैंने अभी भी हरीम शाह के एपिसोड में एक चीज थी छोटी सी, मैंने कहा यार वो काट देना, 4 बार कहकर आया नहीं कटी, मैं शिकायत कर रहा हूं नाशपाती, हर जगह जगह जाके बोलूंगा मैं, और था क्या वो, क्योंकि अब आई गया है तो पब्लिश तो हो ही गया है, यार बधाई देता हूं, अब नहीं बता रहा मैं, नोट नहीं किया लोगों ने बता देना चाहिए दादा, और पीपल विल गो बैक एंड वॉच इट, उसकी ऑलरेडी वो ट्रेंडिंग पे चल रही है भाई, वो मिटानी है भाई, हुआ ये हरीम शाह अपने कारनामे बता रही थी, ठीक है, तो वो नहीं आप फनी वे में मैंने कहा भाई मुझे आशीर्वाद टाइप कर लिया मैंने, अच्छा जो कि अब हमारे यहाँ क्या है कि बोलेंगे ये क्यों कर रहे हैं पाउंड छूना, हमारे यहाँ लोग सेंसिटिव भी तो बहुत है इन मामलों में, तो मैंने कहा था यार ये ना करें, उसके अंदर ऑलरेडी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी है, पता चला इन पे भी चीजें शुरू हुई, लोग पता नहीं क्या समझते हैं ऑलरेडी, उन्हें काटा नहीं, उन्होंने काटा, हर चीज मिल कर लेंगे, तो अच्छा मैं इस पे एड्रेस करना चाहता हूँ, हमारे ओवरली सेंसिटिव बहुत लोग हैं, एक फनी एग्जाम्पल दूंगा, कुछ दिनों पहले मैं अपनी किसी वीडियो पे कॉमेंट पढ़ रहा था,
तो उस पर लिखा ताबिज भाई इतनी तेजी से मशहूर हो रहे हैं, मुझे यकीन है यही दज्जाल है। ठीक है, तो ये फनी था, ये फनी है, ये फनी था। हाँ। तो लेकिन इस तरह के बाकायदा मेरे ऊपर पैसे लगे हुए बैरूनी ताकतों के, इससे मेरा सवाल बनता है कि जो हमेशा पैसे जो है बैरूनी ताकतों के क्यों होते हैं, इंटरनल नहीं होते, इंटरनली क्यों नहीं लग रहे हम पे? इंटरनल तो कोई बुरा हो ही नहीं सकता ना, नहीं हम पे पैसे लगा दे इंटरनल वाले कि यार हमारा परसेप्शन, हमारा पर्सपेक्टिव बयान करो, बयान करो कि आप यहूदियों को टाइम ही क्यों दे रहे हो, स्पेस बनाइए यहूदियों के लिए कि वो पैसे लगाएं, वो लगाएं, वो इन्वेस्टमेंट करें। एग्जैक्टली, नैरेटिव बेहतर है। बैक टू एलएसए प्लीज। तो आप कह रहे हैं कि नहीं देयर वाज नो फ्रिक्शन, इट वाज ग्रेट, पीपल वेलकम्ड यू। अच्छा, कुछ की तरफ से लगा कोल्ड शोल्डर, हां, लेकिन ऐसा था मैंने भी सेल्फी मांगी नहीं फिर, ठीक है, किसी से, ठीक है, ऐसा नहीं था कि मैं किसी बात जा रहा था, प्लीज ये बदले में बात। कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे देखा और देखने के बाद मैं आप नॉट करते ना तो उसी से उनका रिएक्शन पता चल जाता है यार ये आपसे मिलना चाहते हैं। एक को नॉट किया, नॉट बैक जब किया तो ऐसा लग गया कि यार बस इतना ही डिस्टेंस रखना है, तो फिर उसके बाद मैंने भी नहीं किया। आप होस्ट करने वाले थे एलएसए? एलएसए नहीं, मैं पीसा को थोड़ा सा पीसा करने वाला था, एलएसए में परफॉर्मेंस के लिए ही उन्होंने मुझे रीच आउट थोड़ा सा आपने किया भी था? मैंने परफॉर्म किया था, किया था आपने, एग्जैक्टली एक सेगमेंट आपने पूरा, एक सेगमेंट आपने पूरा किया था, उसमें कुछ बाद में रिक्वेस्ट आई कटने कुटने की? अरे वो इतना अच्छा हुआ, मैंने रिक्वेस्ट नहीं आई, मुझसे तो कोई भी नहीं कहा, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी चीजें काट दी, काट दी बहुत सारी अच्छी चीजें काट दी। स्पेशली कहना चाहता हूँ कि मेरे बिलाल मकसूद के साथ जो मेरी इंटरेक्शन थी, अब वो वायरल हो रही है क्योंकि वो क्लिप निकल आया, वो अलग से निकल आया, वो निकल आया क्लिप, वो बहुत अच्छा था। उनसे मैंने पूछा क्यों काटा उन्होंने, टाइम की वजह से या नहीं? टाइम की वजह से नहीं काटा होगा, आई एम श्योर। अब वो ऐसा मुझे तो बहुत ही हार्मलेस सी लगी वो बात, अच्छा ह्यूमर था, और वो बिलाल मकसूद का अनवर मकसूद सुनाई दे रहे थे। अच्छा, उन्होंने, मैंने उनसे पूछा कि भाई बिलाल भाई स्ट्रिंग्स आपने नाम रखा, अगली बार अगर आप बैंड बनाएं तो नाम मजबूत रखिएगा, स्ट्रिंग्स टूट जाते हैं। हाँ। तो मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि आप नाम कह लेंगे, हाँ दीजिए, तो मैंने कहा अपना नाम बैंड का या तो आइन रख लें या कानून रख लें ताकि टूट तोड़ते हुए डर लगे। हाँ। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। हाँ। उन्होंने कहा कि यार स्ट्रिंग्स था तो टूट गया, आइन होता तो धज्जियाँ उड़ जाती। अच्छा, यानी उनका भी आ रहा है, वहीं से आ रहा है, वहीं से आ रहा है, तो लेकिन अच्छा आ रहा है। इसमें क्या कटने की जरूरत थी, सेल्फ सेंसरशिप भी बहुत ज्यादा हो गई है, पता है अगर ये लग भी जाता ना, लेकिन कॉर्पोरेट्स आर ऑलवेज वेरी केयरफुल नो, हियर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान सेम कंपनीज वुड स्पोंसर समथिंग सिमिलर इन इंडिया, हां यहां नहीं करेंगे, यहां नहीं करेंगे, बट यहां आई थिंक पब्लिक सेंसिटिविटी बिल्कुल फर्क है। अच्छा, वो किस तरह ब्रेक होगी? कभी एक बार किसी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ना, कौन लेगा, मरेगा वो झुक लेगा वो, अगर ना सही गया तो। अभी लिया एक ब्रांड ने हमारा शो स्पॉन्सर करके, डिजिटल पहला शो है जिसको मेनस्ट्रीम ब्रांड ने स्पॉन्सर किया, ट्रू, समथिंग टू बोस्ट अबाउट। एंड हैव दे पुट एनी सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन यू? बहुत अच्छी बात है, नहीं रियली अमेजिंग, अमेजिंग। उन्होंने एक चीज थी, उन्होंने दो एपिसोड ऐसी थी जिन्होंने कहा इस पे हम टैग नहीं करेंगे, लास्ट एपिसोड को नहीं किया, एक शायद एक पॉलिटिशियन की उसको नहीं करेंगे, बाकी उन्होंने कोई चीज़ उन्होंने कटवाई नहीं। हाँ, कुछ चीज़ें तो हम ही काट देते थे, जो हम कट बनाते हैं वो एज इट इज़ जाता है। right. हम मतलब नाशपाती जो कट बनाता है वो एज इट इज़ जाता है। राइट, दैट्स अमेजिंग एक्चुअली। बहुत ज़रूरत थी इसकी, बहुत ज़रूरत थी, और बड़ी ज़बरदस्त बात है कि वो नहीं काट रहे या फिर रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगाई। और ये एक इनिशिएटिव एक ब्रांड ने लिया है, अच्छा छोटी ब्रांड भी नहीं है, बड़ी सेलुलर नेटवर्क है, एब्सोल्युटली नाम ले सकते हैं आप, हमें टेलीनॉर है जी, हमें कोई मसला नहीं, मुझे नहीं पैसे मिल रहे ना इसके, अच्छा बीप कर देना फिर, बीप, हां तो टेलीनॉर ने सिम भी नहीं भिजवाई यार, एक देखो आपको एक भी चीज नहीं की टेलीनॉर ने, बहुत नाराज हूं मैं आपसे टेलीज, हां नहीं अच्छे लोग, तो उन्होंने स्पॉन्सर किया और ठीक ठाक तरीके से किया, अच्छा किया, और उन्होंने खुद से ये अब नाशपाती से छोटी नाशपाती उनके सामने बहुत छोटी ब्रांड है, मगर जब उन्होंने अनाउंस किया तो इस तरह से किया जैसे एक एक ही स्टैचर की ब्रांड्स एक साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली व्हाट वी एक्सपेक्ट ऑफ आवर ब्रांड्स, एंड आई थिंक इथॉस भी मिलता है बिकॉज़ टेलीकम्युनिकेशन इज कनेक्टिंग पीपल, एंड कॉमेडी कनेक्ट्स पीपल, दैट्स राइट, यू वुड होप राइट दैट कनेक्ट करती है। खुद कभी अपने ऊपर टैबू लगाया है कि इस बात बारे में मैं नहीं बात करूंगा, other than the जो कि एक enforced है एक पाकिस्तान में कि जिन पे आप नहीं कर सकते खुद से अपने आप को? नहीं नहीं, मेरे को नहीं लगाया, कभी नहीं लगाया thoughts। अच्छा, कुछ ऐसा है self censorship, एक तो मेरी training ऐसे हुई भी है कि public speaking से start किया था ना, तो उसमें इतनी सारी पाबंदियाँ होती हैं कि अब आपने कोई किसी को पॉलिटिकल बंदे का नाम नहीं लेना, किसी इसके बारे में कुछ नहीं कहना, खुद ही ट्रेनिंग होती जाती है, तो आप इतने अच्छा उसमें भी हंसाना भी है, फिर
ह्यूमरस करता था मैं, तो आपको हंसाना भी है, किस चीज़ से हंसाएंगे आप? तो मेरा एक गाली भी नहीं दे सकते कुछ, तो मैं स्टैंड अप जब करता हूँ तो मेरी स्टैंड अप टीवी से थोड़ी डिफरेंट होती है. राइट. आई डोंट यूज अब्यूसिव लैंग्वेज. आई मेक श्योर कि फैमिली आई भी है तो वो सब एंजॉय करके जाए. बिल्कुल. तो वो एक सेल्फ सेंसरशिप मेरे दिमाग में है, मैं उसी हिसाब से सोचता भी हूँ. ठीक है. मेरे टॉपिक्स भी ऐसी ही राइट जो कि घर पे सबने ऑब्जर्व किए होते हैं बट वी डोंट टॉक अबाउट इट बिकॉज दे आर सो पेटी. राइट. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दोस पेटी थिंग्स आई डू मेक श्योर दैट फ्यू ऑफ माय वन लाइनर्स आर लाइक सटायरिकल इन नेचर. राइट. जो किसी सोसाइटी के किसी ऐसी चीज को जो सोशल इशू है उसको एड्रेस कर रहे हो इन अ फनी वे. इन अ फनी वे. सो पीपल आर अवेयर ऑफ योर स्टोरी कि आपने स्कूल से यू वर इनटू यू नो कॉमेडी एंड स्टेज परफॉर्मेंस एंड ऑल ऑफ दैट और कॉलेज के थ्रू भी आप करते रहे. और कॉलेज के थ्रू तो कोई नहीं करता. हमारे यहाँ कॉलेजेस जो गवर्नमेंट में गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ते हैं हम यूजुअली उस जमाने के लोग तो गवर्नमेंट अच्छे होते थे एक जमाने में. लेकिन कॉलेजेस में हमारे वक्त में तो बड़े बहुत डिबेट्स और बहुत अभी भी अब नहीं होती कहाँ क्लासेस ही कम होती हैं. हाँ. पर यूनिवर्सिटी असल मैंने ये जो पब्लिक स्पीकिंग है यूनिवर्सिटी से स्टार्ट की. दे एक्चुअली माय यूनिवर्सिटी आई वेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बैचलर्स मैंने उसमें किया. एंड वेयर फ्रॉम? सर सैयद यूनिवर्सिटी. सो दे बेग्ड मी सो मच दैट दे यूज्ड टू सेंड मी एवरीवेयर थ्रू आउट पाकिस्तान बाय एयर. मुझे टी ए डी ए देते थे. हाँ. और मेरे रहने का वी आई पी इंतजाम होता था. स्कॉलरशिप्स मिलती थी. मैंने फ्री में की ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग. और जब मैं ग्रेजुएट होने लगा तो मेरे 5,000 निकलते थे यूनिवर्सिटी की तरफ. हाँ. मैंने इतनी फ्री में की है. That's amazing. पढ़ता भी मैं अच्छा था तो मुझे दो तीन की स्कॉलरशिप्स मिलती थी पढ़ाई की भी और ये भी. तो मैं फ्री में करता था. बिल्कुल. और प्लस उनको इतना फायदा क्या होता होगा. वो मैं तो किसी यूनिवर्सिटी में जाके ही करता था. वहाँ तो ऑलरेडी लोगों ने एडमिशन लिया हुआ है. का काम तो नर्चर करना है. नर्चर वही तो मैं कह रहा हूँ. लेकिन उन्होंने पैसे लगाए मुझ पे. दे मेड श्योर कि अगर है ना तो वो बने. सो कभी आपको अवार्ड मिले तो आप यू वुड क्रेडिट देम फॉर योर सक्सेस. एग्जैक्टली वही तो कर रहा हूँ अभी. अच्छा ये आप कर रहे हैं. कर रहा हूँ. तो ये था प्लस मेरा स्कूल. आई वेंट टू हबीब पब्लिक स्कूल. वहाँ पर स्पोर्ट्स और ये जो वहाँ पे ज्यादा ध्यान ही एक्स्ट्रा करिकुलर पे होता है. राइट. बच्चा खेल ले किसी तरीके से. Which is so good actually, which is amazing. The only school which has an AstroTurf hockey ka international Achha. level ka, international level ka gymnasium hai. Amazing. तो वहाँ पर खेलने की इतनी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. स्विमिंग पूल्स इंटरनेशनल लेवल के. तो और फिर पब्लिक स्पीकिंग डिबेट्स स्टेज परफॉर्मेंसेज हमें बहुत चांस मिलते थे. हमारे ज़माने में स्कूल के अंदर पीटीवी पे एक स्कूल कहानी नाम का ड्रामा आता था बचपन में हमारे पीटीवी पे. वो अभी पब्लिक में बनता था. अच्छा. तो उसमें भी कभी कभी कुछ शरारती कर ली तो ये सब चीज़ें होती रही. फिर मैं जब यूनिवर्सिटी आया तो ये पब्लिक स्पीकिंग का लड़कियों के कॉलेज में हो रहा था. अब कभी लड़कियां देखी नहीं. हाँ था. ऑल बॉयज. फिर ये कॉलेज गवर्नमेंट. फिर ऑल इंजीनियरिंग. तो लड़कियों के कॉलेज DCW फेज 8. यार यहाँ तो बस गया मैं. हाँ. और वो खवातीन ने जितवाया मुझे. हाँ. गोरा सा था ना बाल भी बड़े थे. यूं यूं करके मैं गया तो उन्होंने शोर वोर किया. जज प्रेशर में आ गया. तो की भी अच्छी थी वैसे. ये की भी अच्छी होगी. जज प्रेशर में नहीं आते हमारे स्कूलों आ जाते हैं प्रेशर में जज. अच्छा. ठीक है. मगर तो ये ट्रेनिंग हो रही थी साथ साथ. सारी ट्रेनिंग हो रही थी. हम पीसा गए. पीसा गए. हम पीसा गए. वहाँ आपने एक ऐसा रोल अपनाया जो कि मैं जिंदगी में पहली दफा फर्स्ट टाइम था आपके लिए ये करना आपके लिए पहली दफा आपने किया. और कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा ने बताना जरूरी है. मैं हार गया उसकी वजह से. आप उसकी वजह से हार गए. मैं उसकी वजह से हार गया. अवार्ड हार गए. आप के नॉमिनेटेड थे एज बेस्ट यूज ऑफ ह्यूमर ऑन सोशल मीडिया. तो लेकिन जो अरसलान जीता और मैं सच्ची बात तो ये हमारी बेगम ने उसी को वोट डाला था. तो अब इसमें सवाल ही क्या रह गया कि मैं जीता क्यों नहीं. आपने खुद ही अपने आप को मैंने अरसलान को बताया भी यार ये है तो मुझे तो पता है कि तुम ही जीतोगे. और मैं जब तब भी उम्मीद थी जब यासिर भाई स्टेज पे चढ़े यासिर नवाज करने के तो उम्मीद तो थी. सोच रहा था क्या बोलूंगा अगर गया तो. बताऊंगा कितने वोट्स डले थे मुझे नहीं पता. है आपके पास? हाँ. बराबर था या बहुत ही कम पड़े थे? मैं आई वाज द हेड ऑफ द जूरी. हां यू वर यू वर. सो आई हैड ऑल द नंबर्स. बहुत दूर तो नहीं था ना. डिस्टेंट था मैं. डिस्टेंट थर्ड तो नहीं था ना मैं. अप्रोचेबल. इतना काफी है. बेचारा 10 साल से काम कर रहा है. हां. और बहुत अच्छा कर रहा है. तो उसको मिलना चाहिए था. लेकिन हुआ ये पीसा में मैं गया. वो डिफरेंट एक परसेप्शन है. दूसरा ही तो था इवेंट अवार्ड सेरेमनी का जिसमें मैं लोगों से मिलता. जी शाम को पीसा था. शाम को पीसा था नहीं अगले पीसा दिन के अगले दिन. अगले दिन ये था. अगले दिन की बात है. शाम को पीसा था. जुमेरात को पीसा था. नहीं थर्सडे नाइट. और ये फ्राइडे की बात है. हम जुमेरात को पहुंचे थे ना. जी बिल्कुल. आप जुमेरात जुमे को पीसा था जी रात में.
तो हुआ ये, हम पहुंचे तो जुमे की सुबह हुई, पुरनूर सुबह थी, पुर फिजा मुकाम पे थे हम जी। तो मेरी दोस्ती बन गई थी नौमी अंसारी से, हसनैन से, हसनैन लहरी से, जो ये दोनों का अवार्ड मिला, और फेमीन से, इन सब से दोस्ती, इन्हीं के साथ हम आए थे, इन्हीं के साथ हमारी इमिग्रेशन हुई थी। हम जब पहुंचे तो नुमान भाई ने कहा जुमे की नमाज पढ़नी, मैं तो आंसू निकल आए आमना, मैंने क्या क्या सुन रखा था फैशन इंडस्ट्री के बारे में, लेकिन बहुत बदनाम है फैशन इंडस्ट्री, इसलिए तो मैं कहता हूँ अपना खुद बनाए आप आके इमेज, ये दूसरों से लेकर ना आए कि गंदे हैं वो है। उन्होंने कहा जुमे की, मैंने कहा क्या हो गया भाई, कोड है क्या जुमे की नमाज किसी चीज का, कह लेंगे नहीं नहीं वाकई मस्जिद जाना है वो भी जुमे के वक्त, ठीक है माशाल्लाह से काफी नहीं आ रहा था, जहन चलता है आप लोगों का तो मैंने कहा चलें फिर, तो हम गए जी, ठहरे पे थे हम होटल में जो कनेक्टेड था मॉल ऑफ द मॉल ऑफ एमिरेट्स, हम मॉल ऑफ एमिरेट्स पहुंचे तो उन्होंने कहा भाई 12:05 हो चुके, मस्जिद फुल हो चुकी, आपकी जगह नहीं है जी। अब मुझे ये नहीं पता उसने लोगों की तादाद देखकर कहा ये नौमी अंसारी को देखकर कहा कि भाई आप फैशन इंडस्ट्री से, आपकी जगह नहीं है, क्यों कोई शॉर्ट्स वगैरह पहन के गए थे वो, नहीं पहने, मतलब पहचान गया, नहीं इनको नहीं पढ़ने दूंगा, ये भी तो है हमारे यहाँ जो नेक होना चाहते उसको होने नहीं देते जी। खैर उन्होंने कहा नहीं, नौमी मैंने कहा चलो फिर चले, और मैंने कहा भूल जाएंगे ये लड़का, भूल जाएगा ये लड़का, नहीं वो नहीं भूले, नहीं भूले, कहने के कमरे में पढ़ेंगे जोहर की नमाज, और मैंने कहा ठीक है, अब इतने जोर दे रहे हैं तो अगला बंदा यही समझेगा भाई इमामत यही कराएंगे। जो हम कमरे में पहुंचे तो कहने लगे चलो बस नमाज पढ़े, मैंने कहा यार मैं तौलिया वौलिया लग बिछा देता हूँ, मैंने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना दी, छोटे से कमरे में, छोटे से कमरे में 1.5 इंच की मस्जिद थी हमने वो जगह लेके, फिर कहने लगे कि चलो शुरू करते हैं, मैंने कहा आइए इमामत, नहीं इमामत तो नहीं कर, साफ थे तौलिए तो बाहर बेचारी कपड़े से, वो कमरा रूम सर्विस वाले थे तो उनकी वो ट्रॉली में से मैंने हाउसकीपिंग वाले 3 तौलिया मैंने चोरी कर ली, वेरी गुड, चोरी के जाना मतलब इसीलिए ये बरकत नहीं थी, तो लेके थोड़ी गए वहीं छोड़ कर आए, हां वहीं छोड़ कर आए, फिर धो लेंगे, ठीक है भाई मस्जिद में भी तो चप्पलें चोरी हो जाती हैं, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, और गाड़ी की पार्किंग देखी कभी आपने जुमे की नमाज के वक्त, बिल्कुल सुना, कोई कानून लागू नहीं होता जुमे की नमाज के वक्त, चोरी चकारी सब माफ होती है, सिर्फ नमाज पढ़नी, ठीक है तो हमने पढ़ी, तो इमामत आप इमामत कर रहे थे, मैं इमामत कर रहा था भाई, मैं और मेरे पीछे पहले की कभी आपने इमामत जुमे की नमाज की, नहीं जुमे की नमाज, अच्छा जुमा तो मिस हो गया था, जोहर की पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि पढ़ो पढ़ो, अब अजान देते ना पीछे जी, वो भी इमाम नहीं दी, पहले मैं उस पोजीशन में आया कि मैं अजान दूंगा फिर मैं इमाम बना, अच्छा क्योंकि वो भी नहीं देने को तैयार थे, सब काम तुम ही करोगे, फिर मैंने अजान दी, बड़ा भरोसा था उनको आप पे, पता नहीं मेरे अंदर वो क्या देख रहे थे, खैर मैंने अब क्योंकि हम सफर में कसर पड़ते हैं जी, और मैं दुबई को ऐसा ही समझता हूँ जैसे पाकिस्तान में ही है, 2 घंटे में तो पहुंच जाता, तो मेरा कसर का मूड नहीं था, ठीक है, और मैं भी ये समझा कि यार ये लोग अब पढ़ ही रहे हैं तो दिल से पढ़ रहे हैं, दिल से पढ़ रहे होंगे, अब मैंने इमामत शुरू कर दी, अब दूसरी रकत पे मैं खड़ा होना चाहा, मैं खड़ा हो गया जी, अब मैं यूं देख रहा हूँ तो ये लोग खड़े नहीं हो रहे, अब इमाम को अपनी इंसल्ट महसूस होगी ना यार कि यार मैं इमाम हूँ, मुझे एक सर्टेन पोजीशन पे पोजीशन पे है, मुझे प्रोटोकॉल दो यार खड़े हो, कह भी रहा हूँ, अब वो भी कर रहे हैं, आखिर में इमाम को ही बैठना पड़ा, वो नहीं बैठे, मैं कह भी रहा हूँ भाई जोहर है खड़े नहीं खड़े हुए, फिर बैठे सलाम वलाम फेरे, दुआ भी की, सब कुछ किया, आप देखिए मेरी इमामत की बरकत दोनों को अवार्ड मिले उसी रात, उस पूरी मस्जिद में सिर्फ एक बंदे को अवार्ड नहीं मिला, इमाम को, इमाम को अवार्ड नहीं मिला यार, इससे क्या साबित हुआ, इन दोनों की इमामत नहीं करनी, लेकिन it was good fun, बहुत मजा आया, it was a lot of fun, बुखार जगह से बड़ी इंटरेक्शन रही, वो बड़े इंटरेस्टिंग बंदे हैं, वो तो मैं कहती हूं कि इंटरेस्टिंग को एलैबोरेट करें, एलैबोरेट नहीं, आई मीन उनके अंदर इतनी नॉलेज है, नॉलेज भी बहुत है, मैंने कहा आप अमीर ही कर दें, सबको बता ही दें, अगर आपने जो इतने पैसे बनाए हैं हमें भी कुछ तरीका बता दें, उन्होंने कहा नहीं यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड इट, मैंने कहा नहीं, हां वो लंबी बहुत कर रहे हैं, बहुत लंबी बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा, उन्होंने कहा नहीं आप पहले क्रिप्टो करेंसी सीखें फिर बिटकॉइन सीखें, अमीर होना भाई ये क्यों करें, हां अभी आप एक बिटकॉइन दे दें हमें, $60,000 का एक बिटकॉइन है, हां बहुत महंगा हो चुका है, तो मतलब है कि, मगर अच्छा एक बात है कि उनके कंटेंट से डिसएग्री किया जा सकता है वकार जगह के जी, बहुत सारे लोग करते भी हैं जी, हम भी सारे, मैं सारे उनको बोलता भी हूँ, मैं सारी चीजों से आपके एग्री नहीं करता, मगर क्रिप्टो करेंसी में उनकी नॉलेज बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है, और वो सीरियसली बहुत अच्छी है, हाँ हाँ हाँ, तो बिल्कुल एक्सप्लॉइट करें उन्हें, देखें हर इंसान के मेरे ख्याल है डिफरेंट फैसेट्स होते हैं हर ह्यूमन बीइंग के, कुछ के साथ आप नहीं एग्री करते, एक फैसेट के साथ करते हैं, जो है यू हैव टू गिव हिम क्रेडिट, वो डिजिटल अवार्ड्स भी वो कर रहे थे सुपरवाइज, और उनकी नॉलेज बहुत थी कि भाई कौन कौन है लोग, एंड ही वाज मेरी बिल्कुल भी नहीं है, ही वाज अच्छा वो आई वाज ही आस्क्ड मी टू डू दैट टू, हां बस थोड़ा
नहीं बन पाई बात फाइनेंशियल फ्रंट्स पे तो आपको तो मौका नहीं मिला एक्सेप्टेंस स्पीच देने का, लेकिन जो लोग देते हैं और मुझे भी ये बात लिख के लाइए, मैं भूल जाती हूँ चीजें, एक्चुअली उम्र का वो हिस्सा है कि मैं चीजें भूल जाती हूँ, तो बचपन है उम्र का वो हिस्सा है कि मैं भूल जाती हूँ। कई दफा सेलिब्रिटीज जो है वो स्टेज पे ऐसी बात कर रहे होते हैं कि आप सुनते हैं, आप कहते हैं यार किधर से आ रहा है, तो आपको आती है सुन के। तो ये मैं आप सर आपको बात बोलूंगी, ये नहीं कहूंगी किसने कहा ये सुन के, लेकिन कैसा क्या लगता है, क्या लगता है, क्या कौन लगता है या क्या लगता है? नहीं, कौन नहीं लगता है कि ये जो बंदा कह रहा है वो असल में मीन क्या कर रहा है। मुश्किल है लेकिन बताएं। नहीं नहीं मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। जब कोई कहता है कि यार आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस, दिस इज सो अनएक्सपेक्टेड, इसको अगर नहीं मिलता ना तो ये सबसे बड़ा रोला पाता, मैं आया भी था, इतनी बेइज्जती, मुझे बुलाया मुझे सूट पहन के आया, मैं आगे बैठा, मैं सांस भी नहीं ली 3 दिन तक, और ये किया मेरे साथ, ये सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस, ठीक है, वैसे आई वाजंट एक्सपेक्टिंग एन अबाउट ईदर। फिर जो ये कहता है कि इट्स एन ऑनर टू बी नॉमिनेटेड अमंग सो मेनी टैलेंटेड पीपल, और मेरे जो तहरीक आजादी की कोई कैंपेन चल रही है, ऑनर है भाई, नॉमिनेट होना कौन सा ऑनर है, तो सही नॉमिनेशन तो नॉमिनेट ग्रैमी में, हां ऑनर तो है, हां ऑनर तो वो मीन करता होगा जो ये कह रहा है। ऑनर थोड़ा सा ओवर नहीं हो गया, कहते हैं ना लोग इट्स सो गुड टू बी नॉमिनेटेड, लेकिन फोकस इस चीज पे कि मेरे साथ के लोग ज्यादा टैलेंटेड हैं, ये सिर्फ मैं कहूंगा कि ये जुबानी जमा खर्चे, they don't mean it बल्कि वो ये समझ रहा होगा they should feel honored they have been nominated with me, this is the exact meaning of this, true meaning ये है, समझे अरसलान सीबीसी उसने भी ये कहा था ये I want to thank my wife जिसके बगैर मैं यहाँ ना पहुँचता। ये तो वाइफ कह के बेचती है, जो शादीशुदा है और इस इंडस्ट्री में काम करता है जिसकी जो जिसकी वाइफ उसको सक्सेसफुल होने में कोई मेहनत ना करती हो, बिल्कुल मेरी वाइफ करती है, क्यों करती है ऑटोमेटिकली, पूछने लगी थी कि यार आप 2 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं तो आपकी वाइफ और आपके 2 माशाल्लाह बच्चे भी हैं, बहुत शरारती बच्चे हैं और छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे, सो उनको संभालना वो वहाँ पर कांट बी इजी, गाड़ियाँ भी देख रही है हमारी, मेंटेनेंस सारी चीजें अकेले करती है, जॉब करती है, क्या मतलब क्या देख रही है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ संभालती है, मुझे बहुत शौक है गाड़ियों का, तो उसकी मेंटेनेंस असली वाली गाड़ियाँ क्या, तस्वीरों में देख रहा हूँ ना आजकल, तो अपनी गाड़ियाँ छोटी छोटी नजर आ रही है, तो वो गाड़ियाँ जरा पेश करें क्या क्या गाड़ियाँ हैं भाई, ये सब देख रहे हैं अभी आप ना, तो जरा पता चले किन गाड़ियों का शौक है आपको, अच्छी है मतलब बैठ जाता हूँ उसमें, हाँ। लेट भी सकते हैं कुछ गाड़ियों में, अच्छा, ऐसा, अच्छा। तो वो खैर उसमें वो उनकी मेंटेनेंस में काम, उसकी मेंटेनेंस देखती है, वो भी वो कर रही हैं, सब आता है, सब ने काम सिखाया तो नहीं है, बहुत सारे तो उसने खुद सीखे। तो गाड़ियाँ कौन कौन सी आमना देखें, गाड़ियाँ हर उस किस्म की गाड़ी है मेरे पास जो होनी चाहिए एक अच्छे घर में, बस है ना, मतलब आप ना आपने कभी देखा मैं इंस्टा पे पोस्ट लगाऊँ, मैं नहीं करता, ये मेरी अपनी पर्सनल लाइफ, टैक्स देते हैं ना सब हर जगह, तो है कनाडा में रह के आप वहाँ तो छुपा नहीं सकते इतना, और वहाँ नौकरी करते हैं तो वैसे ही हाँ, कटता है हाँ, और यहाँ पर आके फाइल करता हूँ और यहाँ डर डर के भी, क्योंकि जिस तरह के पंगे ले रहा हूँ जी यहीं से पकड़ते हैं वो, बिल्कुल कि आपने टैक्स नहीं दिया, इसलिए मैं ये कवर करके रहा, ठीक है कुछ नहीं छुपा रहा मैं। बहरहाल हम तारीफ कर रहे थे आपकी बेगम की, जी बेगम की, आज हमारे दरमियान होती तो कितना खुश होती। 2 महीने से आपने उनको छोड़ा, वो कह रहे हैं गाड़ियां भी वो आपकी संभालती हैं, सब संभालती, बच्चे भी वो संभालती हैं, वीजे भी आपके वो जब लगने होते थे तब लगते थे, एवरीथिंग। माय वाइफ शी इज एक्चुअली मेरे अब्बा के बाद, अब्बा के डेथ के बाद उनका रोल मेरे लिए मेरी वाइफ ने अदा की है, क्योंकि मुझे हर वक्त एक असिस्टेंस चाहिए होती है, हेल्प चाहिए होती है, असिस्टेंस ये कि चीजें खो जाती हैं मुझसे, मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत खराब है right. तो मैं भूल जाता हूँ, प्लस मुझे ये डॉक्यूमेंटेशन के काम मुझसे नहीं होते, मैं ऑर्गेनाइज नहीं हूँ, मुझे डेट्स भी याद कुछ भी नहीं आता, तो मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ जो मैं स्टेज पे करता हुआ नजर आ रहा हूँ, हाँ. या मैं नौकरी बहुत अच्छी करता हूँ, ठीक है बहुत, हम तो लोग है ना, तो मल्टीटास्क तो नहीं कर सकते होंगे, हाँ एग्जैक्टली, हमारे अंदर तो ये है ही नहीं, ये सेंस ही नहीं है, वो नौकरी भी करती है, अच्छा मेरी फील्ड में है, अच्छा करती है, जो जिस प्रोफेशन में सप्लाई चेन में अच्छा हो गया उसका अब सेंस ऑफ ह्यूमर, और इस किस्म का हो गया कि अब अम्मी के सामने भी ऐसे जुमले निकल आते हैं, अम्मी कहती है अरे बेटा तुम भी ये तो था ही
तो ये है वो कौन सा ऐड होता है एक्सक्यूज मी आप ही हाँ, तो ये हो जाता है हाँ। अब मेरा रंग अम्मी पे भी चढ़ गया हाँ। अम्मी भी कभी कभी ऐसी बात कह देती हैं और फिर मुझे ही गालियां पड़ती हैं देखो हाँ। तुम्हारी वजह से हमारी भी जुबान गंदी हो चुकी है बच्चों को समझ आते हैं आपके जोक्स बिकॉज़ वो तो बाहर ही पैदा हुए हैं नहीं हमारे छोटे बेटे को तो समझ में नहीं आता वो मुझे फनी मैन के नाम से जानता है अच्छा बाबा यू आर अ फनी मैन अच्छा बिकॉज़ वो टीवी पे देखता है या हम तो कोई लगा देता है या हाँ। कोई तो वो कहता है बाब मेरे बाबा फनी मैन है उनको खुद तो नहीं खैर दोनों बच्चे आपके भी छोटे हैं नहीं रानिया को तो पता है कि मैं क्या करता हूं नहीं पता तो है बट डू दे गेट द जिस्ट ऑफ द जोक एवर नहीं नहीं उनके लिए उनके जोक्स करता हूं रानिया इज 9 इयर्स ओल्ड तो वो अभी अपनी दोस्त से बात कर रही थी मैंने बताया एक इंटरव्यू में तो उसको बता रही थी मेरे बाबा पाकिस्तान फेमस होने गए उसको ये पता उसको ये पता क्यों बट वो खुद बहुत टैलेंटेड है वो पोम्स वगैरह अपनी स्पीचेस स्टोरीज बहुत अच्छी पेंटिंग करती है तो हमारी फैमिली में मल्टी टैलेंटेड हां हमारी मेरी बड़ी बहन भी पेंटर है वो एलए में रहती है वहां पेंटिंग्स करती है छोटी बहन भी यही काम पेंटिंग तो नहीं करती मगर कॉमेडी की मेरी इंस्पिरेशन हुआ है वो करती थी तो दैट्स प्रीटी मच इट दैट्स प्रीटी मच इट एंड यू आर हियर एंड यू आर डूइंग दीस हिट शोज Which we missed. Yes. अब आप लाहौर इस्लामाबाद जा रहे हैं यहाँ तो नहीं और कोई रहता वरना मैं जरूर कैच करूंगी नहीं अब नहीं अब तारीख नहीं अब अब next time इंशाल्लाह and you're doing a lot of branding, a lot of ads. उसको टाइम लगता है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है भाई अच्छा ये एक चीज़ एड्रेस कर दूँ मैं आपके शो के अब मैं एक मेरे साथ प्रॉब्लम है कि आई एम ऑलवेज ऑन टाइम ठीक है सही आप मुझसे कहेंगे 6 बजे तो मैं 6 बजे पहुंच जाऊंगा ठीक है अच्छा यहाँ पर यह है कि वो 6 बजे बोलते हैं ये सोच करके यार 6 बजे बोलेंगे तो 10 बजे तक आ जाएगा आर्टिस्ट आ जाएगा जी तो अब वो मैं तो 6 बजे पहुंच जाता हूँ ठीक है तो अक्सर मैंने देखा है कि हमारे यहाँ टाइम इसलिए लग रहा है शूटिंग पे क्योंकि वी डू नॉट डू एनी सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन नथिंग इज डन ऑन टाइम हाँ सबको ऑल डे के पैसे मिलते हैं बाहर मुल्क में थोड़ा डिफरेंट है एक तो उनकी प्रेप वर्क बहुत होती है वो पहले से अगले दिन का काम पूरा उसका फ्लो किस तरह होगा स्टोरी बोर्ड सब बना के रखते हैं 8 घंटे के लिए आते हैं और पर आवर उनको पैसे मिलते हैं right. तो वो 8 घंटे बाद कैमरा रख के चले भी जाते हैं right. हमारे यहाँ एक एड मैंने किया सुबह 7:45 उन्होंने बुलाया मैं चला गया 7:45 वहाँ पे अभी वो सेट लगाने वाले भी नहीं आए हुए थे और मैं गेट के बाहर ही खड़ा रहा क्योंकि अभी खुला नहीं था स्टूडियो आर्टिस्ट था मैं उसका मेन लीड था मैं टाइम 11:30 बजे वो साहब आए जिन्होंने मुझसे कहा था टाइम पे आइएगा टाइम पे आपको अच्छा उन्होंने कहा था टाइम पे आएगा वो 11:15 माशाल्लाह सुबह 8:15 से रात के 3:30 बजे तक शूट चला है वो सेट का जो 40 सेकंड का आया है अपनी फुल लेंथ पे और वो ये था कि यार वो वेस्ट टाइम ये तो अच्छा एटीट्यूड ये है कि ये तो होता ही है ताबिश यार यहाँ पे पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है तो मैं चाहे ऑस्कर जीत पाऊँ ना जीत पाऊँ पाकिस्तान की तरफ से मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ये कल्चर चेंज करने की हाँ कि ये बिल्कुल सही बात है मेक अ पॉइंट के मैं बहुत बड़े लोगों से मिला रिसेंटली बहुत बड़े नाम जिन्होंने शायद पाइनियर्स होंगे इस इंडस्ट्री के तो उन्होंने मुझसे कहा बेटा आप बदल जाओगे ये नहीं बदलेगा तो आई हैव टेकन दिस एज अ चैलेंज आई आल्सो फील दैट इफ यू आर नॉट ऑन टाइम यू आर वेस्टिंग समबडीज टाइम देयरफॉर यू आर डिसरिस्पेक्टिंग देम मैं जी टाइम बेचने निकला हूं टैलेंट बेच तो बेच ही नहीं सकते आप वो कोई टेंजिबल चीज नहीं है और टाइम भी नहीं है लेकिन जी जी बिल्कुल वही चीज बेचते हैं आप एक आर्टिस्ट टाइम बेचता है ना अपना तो उसकी अगर कदर नहीं है तो मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए अच्छा अभी आप किस किस्म के ब्रांड्स को अपना टाइम बेच चुके हैं नाम नहीं कह रही लेने को लेकिन साबुन शैम्पू इलेक्ट्रॉनिक्स शैम्पू ये सब चीजों को हाँ मैं एक किराना स्टोर खोल सकता हूँ इतने तो ऐड खोल सकते हैं मैं कुछ नाम लूंगी कुछ आर्टिस्ट के सही है उनको उनका नाम सुन के आपको क्या ज़हन में आता है कि यू नो इनको क्या बेचना चाहिए ये नहीं आता मेरे ज़हन में जो मैंने अभी बोल दिया आ सकते हैं आप ये भी आ सकते हैं महवेश हयात अच्छा महवेश हयात पाकिस्तान के बहुत कम आर्टिस्ट हैं जिनको हयात होते हुए भी तमगा इम्तियाज मिला है महवेश उनमें से एक हयात भी है और उनका अवार्ड भी मिला वो खूबसूरत है बहुत अच्छी है और मेरा क्रश है मेरी बेगम ने मुझसे कहा हुआ है कि अगर तुम कभी पकड़े जाओ और लड़की का नाम महवेश हयात हो तो तुम्हें माफ कर दूंगी अच्छा और अभी आपकी मुलाकात भी तो हुई होगी उनसे हुई महवेश से लेकिन उन्होंने ज्यादा लिफ्ट नहीं कराई अभी आप उस लेवल पे नहीं पहुंचे ना किस लेवल पे पहुंचना होगा हमने मुझे बताइए बताइए नहीं आप फंसेंगे तो क्या बनना पड़ेगा कि मुझे लिफ्ट मिल जाए मैं ही फंसूंगी बेहतर है मैं मुंह बंद रखूं जी बेहतर है मैं अपना मुंह बंद रखूं तो आप बता रहे थे कि क्या महवेश हयात को मैं कहूंगा कि बहुत
खूबसूरत है महवेश नहीं है तो कुछ भी बेच सकती है वो तुम अब कहने वाला था मुल्क बेच दे लेकिन मैंने वो कुछ भी बेच सकती है क्या उनको अच्छा तो ऐसे क्या कौन सी चीजें टैंक बेचें आप GF-17 थंडर बेच दें यार वो तो बिकी जाते हैं अच्छा रेवेन्यू आएगा ना और बिकेगा और बिकेगा और बिकेगा हाँ मेरा GF-17 थंडर यूं करके बेचें ऐसे करके बेचें ठीक है मायरा खान क्या हो गया आपको मैंने कहा वैसे तो मैं कभी इंटरव्यू में एक आर्टिस्ट को दूसरे आर्टिस्ट के बारे में नहीं मायरा खान को बेचना चाहिए चक्की का आटा वैसे वो सब कुछ बेच चुकी सब कुछ बेच अब चक्की का आटा बचा है चक्की का आटा हाँ। ऐसा क्यों आपने सोचा वो कोई बेच नहीं रहा ना वो उसकी उसकी पुल स्ट्रेटजी वो लोग खुद ही खरीद लेते हैं और जबकि हेल्दी ईटिंग चक्की का ब्राउन आटा बेचे ब्राउन आटा बेचे ब्राउन वो भी ब्राउन होता है ना आटा वो जी कुछ ब्राउन होता है जी मावरा हुसैन जी मावरा हुसैन जो है वो अपना जो काम करती है उसको सही से बेचे ठीक है और इसका कुछ भी मतलब हो सकता है इसका कुछ भी मतलब हो सकता है अच्छी तरह पिच करें बड़े प्रोजेक्ट्स लें बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं इंडिया जाके मैं आपको सब वो आर्टिस्ट दे रही हूँ जो सब कुछ बेच चुके हैं वैसे और तो आगे निकले हमें बेचने देना आपको मिल रहा है मौका सज्जल अली जो है वो यार सज्जल अली तो अब वो टपाल चाय बेच रही है वो इतना अच्छा बहुत अच्छी चाय बेच रही है जी आपने वो ऐड देखा ना कि वो उनके ससुर के चाय में चीनी नहीं होती तो वो एक सिप लेती हैं और फिर यार ये मुझे एक बात बताएं कि वो मीठी होगी चाय एक मुझे बात बताएं जी अहद रजा मीर को क्यों नहीं दिखाया गया कि वो अपनी सास को चाय बना के दिखा रहे सज्जल ने ही क्यों चाय बनाई ससुर के लिए या ससुर के लिए क्यों नहीं अहद के लिए क्यों नहीं बनाई मुझे थोड़ा ऑड लगा ये ऐड वैसे ससुर के लिए चाय और अहद कहाँ है इस वक्त आहत कहाँ था जब वो ससुर के आहत ने क्यों नहीं कहा कि अब्बू मैं चीनी डाल देता हूँ अब्बू क्या हो गया मत पिया करें इतनी चीनी चीनी मत पिए या आप ये अवॉइड करें शुगर ये गलत है उनको बगैर चीनी वाली चाय बेचनी चाहिए मगर बेची ना उन्होंने क्योंकि एक सिप लिया तो मीठी हो गई वो चाय वाह अच्छा उन्होंने अच्छा ये क्या है लो आपने पंच लाइन ही मिस कर दिया की सिप के बाद ससुर के लिए मीठी हो गई ये तो गलत इश्तेहार है मगर ये था टपाल का ही था तो टपाल के आज तो आपको नहीं मिलने वाला इस कॉन्वर्सेशन के बाद उसके ओनर भी मेरे फेलो हबीबियन है पूछिएगा उनसे फिर पूछूंगा सर टपाल कि आपने ये क्या किया टपाल सर ए टपाल टपाल व्हाट इज दिस कमाल तूने क्या किया ए टपाल तूने ये क्या किया हुमायूं सईद अब आजकल तो बहुत बड़ी बड़ी रियल एस्टेट और उस टाइप के यू नो नया नाज़माबाद नया नाज़माबाद पिछले साल बारिश में डूब गया था वो नया लगुना या यू नो लाइक न्यू कराची या इस टाइप की चीज़ न्यू कराची अब उन्हें चाहिए कि वो कोई डीएचए भी बेचे आपको नहीं लगता डीएचए भी वैसे बोलो बोलो डीएचए बेचे नहीं जी जी ठीक है डीएचए बेचे ठीक है फवाद खान बहुत देर से कहाँ है वो जी कहाँ है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ उनको क्या बेचना चाहिए अब तो उनको अब वो कुछ भी बेचने को तैयार होंगे क्योंकि बहुत अच्छे से मेरे को बहुत सारे अच्छे से उनको काम नहीं देखा एड्स पर भी वो कर रहे हैं कमाल ये देखिए ये स्टार होता है तबिश ये स्टार होता है जो काम ना करे लेकिन एड्स उसको मिले कैसे मिल रहे हैं मुझे बताइए ना मुझे प्लीज शेड लाइट ऑन दिस कैसे मैं काम कर रहा हूँ आप भी काम कर रही हैं हर हफ्ते आ रही हैं मैं भी कोशिश कर रहा हूँ हसन भी कर रहे हैं हसन चौधरी इधर उधर जगह जगह जाके काम कर रहे हैं वो तो पता नहीं क्या 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 काम कर रहे हैं कैसे कैसे काम कर रहे हैं उनको नहीं मिल रहा है उन्हें मिल रहे हैं फवाद खान वो घर पे बैठे हाँ कुछ तो है कुछ मोनोपोली लॉबी लॉबी चेहरा नहीं आपको लगता है खूबसूरत आदमी है खूबसूरत आदमी है बहुत और टैलेंटेड भी बहुत है आपने कहा है कि आप डार्क कॉमेडी करना चाहते हैं यू वांट टू बी डू आई वांट टू डू एक्टिंग एज़ वेल लेकिन आपकी अच्छी ड्रीम्स अच्छी सही जा रही हैं ख्वाब तो मैं देखता रहता ख्वाब बहुत बहुत ख्वाब देखे मैंने हां प्राइम मिनिस्टर ही बनना चाहता हूं वो भी कोई भी बन सकता है हाँ, अब तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने साबित कर दिया कि कोई भी बन सकता है जो कि आप किस कुछ भी सुन सकते हैं अब पता है क्या अब ऐसा हो गया है कि अब दिल भी नहीं चाह रहा बनने का इसके बाद अच्छा इमरान अशरफ बहुत अच्छे आदमी इमरान अशरफ से मेरी बड़ी इंटरेक्शन रही LSA में बल्कि बहुत ज्यादा इंटरेक्शन रही थोड़ी देर के लिए हमने ब्रेक लिया एक दूसरे से मैं ऐसे आर्टिस्ट बड़े में इंप्रेस होती हूँ जो जीत नहीं रहे होते उनको पता भी होता है कि वो नहीं जीत रहे बट दे स्टिल कम एंड सपोर्ट द सिस्टम वो आए भी और उन्होंने मुझे कोच भी किया बिठाया बहुत चीजें समझाई बहुत चीजें बताई
वो सबसे पहले मुझे हुमायूं आलमगीर के वहाँ पे मिले, हम वहाँ पे अब हम दोनों वहीं से अपना सूट बनवा के आए थे एलएसए का। मैंने याद है आपका एक पर्पल रंग का सूट था, पीसा पे, पीसा वाला था। पहली बार मैंने कलर पहना है। अच्छा, पहली बार मैंने फूल बूटियों वाली चीज़ें। मैं पूछने लगी थी कि आपकी क्या इतनी फ्लैम्बॉयंट पर्सनालिटी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, दिस वाज द फर्स्ट टाइम एवर। और ये हुमायूं ने मुझसे कहा कि यार मैं कह रहा हूँ पहन लो, तो एक डिजाइनर की एक आय होती है, उसने देख लिया होगा मैं कैसा लगूंगा। बिल्कुल। और मैं इतना बुरा लगा भी नहीं, नहीं बड़े कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया भी घर वालों में। अच्छा। खास तौर पे अम्मी ने कि बेटा क्या ये क्या था, ये क्या था। लेकिन बहनों ने कहा अम्मी आप ये क्या था? आपको नहीं पता। अम्मी को कहा ये क्या था, ये क्या था? तो ये था कि हुमायूं ने कहा हम लोग चलाएंगे आपकी इस वक्त। तो वहाँ पर ये हुआ कि इमरान अशरफ मिले मुझे पहली बार वहाँ पे, और मुझे इस तरह मिले जैसे मैं इमरान अशरफ हूँ। सो स्वीट। और वो ताबिश हाशमी है। तो ये पहचान होती है जो आदमी इनसिक्योर नहीं होते ना, वो यूजली मुझे यूजली क्या सबको अच्छा लगता है। उन्होंने इतनी मेहनत की है टू गेट वेयर ही इज टुडे एंड ही हैज बीन सो ओपन अबाउट इट कि वो पूरा उनको अब कॉन्फिडेंस है अपने अपने क्राफ्ट पे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत एब्सोल्युटली। आपने बताया नहीं कि वो बेचें क्या फिर। इमरान भाई जो है ना, वो देखिए इमरान भाई से मेरा मजाक बन चुका है, और वो ऑफ कैमरा बिल्कुल अलग है। बहुत फनी भी हैं, बहुत लाउड भी हैं। वो बिल्कुल वैसे मूसा जैसे नहीं है। जी, ठीक है। तो वो चूरन वगैरह मंजन नहीं बेचते थे हम। चूरन ले लो, मंजन ले, बहुत अच्छा बेचेंगे, बेचेंगे बहुत अच्छा। और उसके अंदर इनोवेशन लेकर आएंगे, वो मल्टीनेशनल हो जाएगी चूरन की दुकान। और एक ऐसे शख्स हैं जिनका आपने बहुत जिक्र आपके प्रोग्राम में रहता है। नहीं नहीं, साहिल लोधी तो कुछ भी बेच सकते हैं। ये दोनों तो शामिल लोधी तो अपना मतलब नहीं छोड़ दें। इमरान अब्बास मेरे मेरे शो में डिस्कशन हुआ, इमरान अब्बास का भी हुआ है क्या? हाँ हुआ है। कौन करके चला गया? आपने मुस्तफा चौधरी के साथ बैठ के इमरान अब्बास की पूरी वो उन्होंने की होगी। अच्छा, वो पूरी गुफ्तगु आपने की है। अच्छा, वो इमरान अब्बास की थी। जी जी, वो तो नहीं आपके शो पे कभी भी आएंगे। नहीं, बुला नहीं रहे थे। आजकल ड्रामा चल रहा है उनका। अच्छा, चल रहा। बुला रहे थे। इमरान अब्बास खूबसूरत आदमी, खूबसूरत आदमी। वो बेच सकते हैं वो चीजें जो मायरा ने नहीं बेची, जो मायरा ने नहीं बेची, कुछ ब्रांड्स नहीं बेची। स्टिलमेंस ब्यूटी क्रीम शायद मायरा ने बेची है। वो तिब्बत स्नो क्रीम, तिब्बत ब्यूटी क्रीम, व्हाइटनिंग, क्योंकि हम डिस्करेज करते हैं व्हाइटनिंग क्रीम्स को। हाँ यार, ये हम सभी करते हैं। गोरा होगा पाकिस्तान, एक टैग लाइन आई थी, अब गोरा होगा पाकिस्तान। नहीं, ये कोई टैग लाइन नहीं थी। मैं आपको अभी दिखा दूं, कोई इरादा है कि नहीं, कोई ऑफर्स हैं कि नहीं आपके जो कंपेटिटर हैं? कौन है? अरसलान। अरसलान अवार्ड विनिंग। असलान इंटरव्यूज नहीं करता, तो उस हम उस कैटेगरी में नॉमिनेटेड थे, मगर हम शायद दोनों ही अग्री करते थे कि हम इस कैटेगरी से दोनों एक साथ बिलोंग नहीं करते, अलग अलग काम कर रहे थे हम। लेकिन अब इतने अवार्ड्स हो रहे हैं तो नहीं, नहीं, मेरा मतलब है कि वो एक्टिंग की तरफ चले गए हैं। तो आपके के लिए कोई रास्ते खुले हैं? मेरे लिए रास्ते इसलिए थोड़े से महदूद हैं कि क्योंकि मैं रहता नहीं हूँ यहाँ। एक्टिंग एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है अपना, और वो उसके लिए महीना दो का प्रोजेक्ट तो होता ही। वो मेरे लिए अभी तो फिलहाल क्या है कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उधर है ना, वो इसके हिसाब से वर्थित नहीं होता। और जो डार्क कॉमेडी आप कह रहे हैं या डार्क रोल, वो आपको कौन सा पाकिस्तान में नजर आ रहा है होता हुआ कि आप कहें कि कौन सी हेल बाउंड बन रही है यहाँ पे जिसमें डार्क? मैं ना एक ऐसी मिडिल क्लास फैमिली का एक करेक्टर प्ले करना चाहता हूँ, बाप का या भाई का, जो दिखने में तो बहुत शरीफ लगते हैं, बाहर से वाइट कॉलर या लोग नहीं होते, मगर वो जरूरी मैं दिखाना ये चाहता हूँ कि जब आदमी के जो मॉरल्स होते हैं ना, वो किस तरह से शिफ्ट होते हैं जब वो प्रेशर में आता है। हम सब कहते हैं ना सच बोलना चाहिए, यार ये क्या बात कर दी, मगर जब आप टेस्ट होते हैं तो वो आपके मॉरल्स किधर कैसे नीचे जाते हैं, डिटेरिएट होते हैं। मैं उसके ऊपर उस करेक्टर को वैसा करेक्टर निभाना चाहता हूँ जो हर वक्त प्रीच करता रहता है, मगर जब वो खुद प्रेशर में आता है तो किस तरह की जस्टिफिकेशन बना के हर वो काम करता है जिसको मना कर रहा होता है। तो वहाँ कनाडा में रह के कोई एक्टिंग का प्रोजेक्ट? मैं वहाँ जाके सिर्फ सुकून करता हूँ। देखिए, कॉमेडी मैं इस वक्त करता हूँ जब मैं बहुत स्ट्रेस्ड होता हूँ। अच्छा। और मैं मेरे पास बहुत टेंशनें होती हैं, तो आई थ्राइव ऑन दैट। कनाडा जाके ऐसी कोई स्ट्रेस नहीं होता, इतना खुश रहता हूँ मैं वहाँ बहुत। यानी आपको परफॉर्म करना हो तो आप पाकिस्तान ही आते हैं? यहीं आता हूँ तो परफॉर्मेंस हो जाती है, उतरते ही हो जाती है, जहाज में ही हो जाती है। कॉन्टेंट था ही नहीं, आमना कॉन्टेंट था ही नहीं जब मैं पाकिस्तान आया। मैंने कहा यार जा रहा हूँ मैं, क्या इतने शोज कर ली करूँ कहूँगा क्या वहाँ पर। जहाज में बैठा हूँ तो एक घंटे का सेट बनाता हुआ आया हूँ।
जबरदस्त पाकिस्तान, जबरदस्त ये पाकिस्तान की खासियत है। लेकिन इंशाल्लाह एक्टिंग करूंगा, कोई ना कोई तो चांस देगा ही भाई इंशाल्लाह। अगर आपका है ख्वाब है तो वही। आप कुछ प्रोड्यूस कर रही हैं क्या? नहीं मैं बिल्कुल नहीं कह रही। अगर मैं कह रही हूँ तो सबसे पहले हसन लाइन में अच्छा वो भी लगे नहीं पहले से। तो और इमरान अब्बास तो हैं, वो तो इमरान अब्बास नहीं, हसन तो वैसे ही स्टार हैं। वो आपके शो में तो करेंगे, वहाँ तो आ नहीं रहे टीवीएच में। जी जी बिल्कुल टीवीएच करेंगे। जी जी बिल्कुल। और टीवीएच का अगला सीजन हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये तो खत्म हो पहले, अभी इसमें 15 एपिसोड्स और बाकी हैं। दिस विल लास्ट टिल मे, और इसके बाद इंशाल्लाह मार्च में, इसी मार्च में इंशाल्लाह सीजन 4 फॉर द नेक्स्ट सीजन 4 सीजन 4 सो गोइंग वेल। सीजन 4 इंशाल्लाह इज गोइंग टू सी सम ग्रेट नेम्स। इस बार थोड़ा सा हमने सीखा भी है कि हर गेस्ट को, हर आदमी टीवीएच पे सूट नहीं करता। राइट। जिसका मतलब ये नहीं है कि आर्टिस्ट बुरा है, इस शो का एक अलग फ्लेवर है और उसमें हर कोई एडजस्ट नहीं कर पाता। लेकिन मथीरा का शो बहुत मजे का था तो वो एडजस्ट कर गई। तो आप क्या कहना चाह रही हैं इस बात से? तो लेकिन अरविंद मकसूद को बुलाना चाहता हूँ। अच्छा। इस बार कुछ पॉलिटिशियंस उनको भी वो मुर्तजा चौधरी वाला प्रोग्राम पूछ दिखा दीजिएगा पहले। अच्छा बिलाल भाई से मेरी बात हुई। हाँ। बिलाल भाई ने देखा था आपको जी, जिसमें वो कह रहे हैं अनवर 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 करके लड़का, अनवर करके लगे हुए, अनवर अनवर करके लड़का है। देखिए उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बिलाल भाई अगर मेरे वालिद के साथ बारे में बात हो रही होती मुझे भी इतना कोई खास अच्छा नहीं लगता, ठीक है। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि अब मुझसे मिल लिया ना पर्सनली वो, तो उन्होंने कहा मैं बागो लेकर आऊंगा। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके साथ बहुत अच्छा शो करूँ। मुझे भी ऐसा लगता है। हाँ। क्योंकि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर मेरे जैसा है, पता है आपको। हाँ। ऐसा नहीं है कि वो दब जाएंगे या वो, नहीं, 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 वो बहुत जवाब देंगे, बहुत मजे का। कॉमेडी सिटी भी साथ साथ चल रही है, उनका गेस्ट था। अच्छा। तमकिनत नाम है उन खातून का, ऑर्गेनाइज करा रही थी जी। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप लाहौर आ जाएं, एक शो की थी। अब एक शो किया तो उन्होंने कहा यार दूसरी एपिसोड भी रिकॉर्ड करा ले, ठीक है। अब वो ऐसा कोई हो चुका वो तो। सो टीबीएच इज इट? टीबीएच और एक बड़ी खबर है लेकिन वो मैं अभी जब प्लीज नहीं कुछ तो दे के जाए ना ऑडियंस को कुछ। फिर यार मैं धमाका करने वाला हूँ फिर मार्च में। मार्च में धमाका करने वाला है? एटमी धमाके, न्यूक्लियर? न्यूक्लियर नहीं होंगे, एटमी है ना, ना। अलग अलग चीज है ना भाई, न्यूक्लियर अलग है, एटॉमिक अलग है। एटॉमिक कर रहा हूँ, असर ज्यादा होता है। हाँ। लेकिन वाकई में कुछ और पाकिस्तान में कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह मार्च से पता ही नजर आएगा नहीं आएगा लेकिन मार्च से वो स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। साउंड्स इंटरेस्टिंग। So, अब छोड़ दिया मैंने मार्केट में, खबर छोड़ दी है। अब करूं ना करूं लोग, अब लोगों ने पकड़ लेनी है। अब कुछ भी आपने मार्च में किया होने का यही वो धमाका था जो होने वाला था। अब कुछ भी हो जाए, शेख रशीद की तरह ना, शेख रशीद टाइमलाइन देते रहते हैं। हाँ। 3 हफ्ते में कुछ भी हो सकता है। अब ये तो बहुत ब्लैंकेट स्टेटमेंट, कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। It was great meeting you. मेरे हाल बहुत ओवरड्यू था, हमने सोचा था कि ये जरूरी है ये गपशप होना, और मुझे ऐसा लग रहा है बातें बहुत रह भी गई हैं लेकिन बहुत कर भी ली हैं। सो व्हेन यू व्हाट्सएप पे कर लेंगे बाकी और वही चला देंगे साइड पे। अच्छा मेरी अम्मी ने कहा था कि आप, मैं बता दूं अभी फोन पे बात कर रहा था कि वो आपको बहुत शौक से देखती हैं और उनको इतना पता भी नहीं है चीजों का लेकिन वो आपको बहुत शौक से देखती हैं। थैंक यू सो मच। और आपकी वाइफ भी देखती हैं आपने कहा? वाइफ तो मुझे टिप्स देती हैं कि यहां जरूर जाना। नाम बता दे वाइफ का? हिरा। हिरा। हां मतलब मैं, मतलब हम हिरा को नाम से भी शुक्रिया उनका कर सकते हैं। थैंक यू दाबिश, आपने वक्त निकाला। गुड लक विद योर प्रोजेक्ट्स और हम उस धमाके का इंतजार करेंगे। बिल्कुल सही है।